हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़। देखिए, आलू को बॉईल करके हमने इसको सोक कर लिया है, सुखा लिया अच्छे से तौलिया पे, टॉवल पे, और फिर उसमें हम लोग कॉर्नफ्लोर मिला ताकि उसका जो बचा हुआ पानी रहेगा वो भी सूख जाएगा अच्छे से। देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करें, जैसे ये चिली ये सब बनाने में करते हैं, पनीर चिली में, और इसको फिर डीप फ्राई करेंगे। और जब ये 70% तक इसको होना चाहिए फ्राई, फिर हम लोग इसको बीच में, देखिएगा अभी हो रहा है, अभी ये, हाँ 70% हो गया ये फ्राइज़। अब इसको निकाल लेते हैं, निकाल रहे हैं इसको बारी बारी से, छन्ने से। बाज़ार से अच्छा होता है आप घर पे बनाए, शुद्ध तेल होता है आपका सब कुछ। और ये हमारा पहले से ये निकला हुआ है 70%, अब उसको हम लोग दोबारा डालेंगे, इसी से क्रंचनेस आता है। ये प्रोसेस करना आपको एकदम मस्ट है, नहीं करोगे तो फिर वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगा। ये आपको बीच में निकालना होगा और उसको फिर देखिए दोबारा डालें। अब इसका कलर देखिए चेंज हो गया, तो अब ये 100% ये फ्राइज हो गया अच्छे से। और ये बचा हुआ था जो हमने उस समय निकाला था, इसको हाफ फ्राई करके अब ये पूरा हो रहा है उसमें। तो देखिए बर्तन में निकालते हैं, बहुत ही क्रंची हो, आगे देखोगे आप कितना अच्छा इसका क्रंचीनेस आता है और स्वाद से भी भरपूर है, हेल्थ भी स्वाद भी। घर पे बाहर में तो कितना कॉस्टली भी पड़ जाता है। अब देखिए, अब इसकी आवाज़ सुन सकते हो आप कितना क्रंचीनेस है इसमें। देखिए नमक डाले, ब्लैक सॉल्ट, फिर हम लोग डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च तो मस्ट है हर इंग्रेडिएंट्स में, ब्लैक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, ब्लैक पेपर सॉरी, और ये लाल मिर्च पाउडर अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर बच्चों को नहीं खाना होगा तो ज़्यादा डालिए, नहीं तो फिर कम। और ये थोड़ा सा, और मुझे लग रहा है सॉल्ट कम है तो थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालें, और ये हल्का सा वाइट सॉल्ट ताकि उसमें नमकीन लगे, नमक कम ना लगे। और अगर नमक कम हो तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। और अभी चाट मसाला अवेलेबल नहीं है घर पे, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। हमारे पास लवन भास्कर चूर्ण है डाबर का, वही हम लोग करते हैं यूज़ चाट मसाला की जगह पे। अगर चाट मसाला तो वो डालिए, नहीं तो फिर ये पूरा उसकी भरपाई कर देता है लवन भास्कर चूर्ण। हम लोग चाउमीन में, मैगी में, सब में डाल के खाते हैं। देखिए आप इसको सॉस के साथ खाइए अच्छे से।